इनके पास सारा योजना मिलता होगा, पेंट ओंट कलर ओलर सारा चीज़ करवाने के लिए कि इनके पास योजना मिल गया होगा, पैसा उपलब्ध हुआ होगा, लेकिन एक नाम लिखवाने के लिए जो है विद्यालय के पास फंड नहीं है, ना इनके पास पैसा होगा। हालांकि आज इतनी बड़ी घटना घटा है, और ये क्लासरूम है, इसी यही क्लासरूम है, कहाँ ये क्लासरूम है, कूड़ा हुआ आपको मिट्टी नज़र आ रहा होगा, और ये विद्यालय के अंदर हम लोग मौजूद हैं, क्लासरूम के अंदर है, और ये जो है बरोबर कर दिया गया था, लेकिन अभी ये कपड़ा हुआ कैसे है? ये ग्रामीण जनता जो है ना आकर हाँ। इसको देख रहे थे कि आखिर इसमें कौन सा विषैला सांप है हाँ। उसको खोजने के लिए इसको फिर से खोदा गया हाँ। अच्छा, इसमें फिर पानी उन्हें भी डाला गया जी, पानी डाला गया, पानी का निकास जो है विद्यालय के बाहर खेत में गया जी हाँ। ये सामने वाला खेत, सामने वाला खेत में हाँ। उधर से चल के इसका देखा जाए हाँ। और विद्यालय के पीछे बहुत सारा झाड़ी पड़ा हुआ था हाँ। जब ये घटना घट गया हाँ। तो यहाँ के शिक्षक गणमिल करके जो है हाँ। उसे पीछे की ओर सफाई कराए, इससे अच्छा। पहले उन लोग का जहन नहीं गया हाँ। ये घटना का इंतजार कर रहे थे कि कब ये घटना घटेगा कि हम उस झाड़ी को साफ कराएंगे। जीव जंतु था वो बच्चे को काटा जी, बच्चे की अभी क्या स्थिति है? बच्चा जो है डेथ कर गया, अभी डेथ कर दिया जी। बच्चा यहाँ से जब गया तो बोल रहा था, रास्ते में उसने ये बताया कि आप मेरे अब्बा और दादा को बोल दीजिए कि हाँ। हमको सांप ने काट लिया है हाँ। कि हमको गढ़वा लेकर के मेरे टीचर लोग जा रहे हैं हाँ। मेरे टीचर लोग गढ़वा लेकर के जा रहे हैं, बोल हाँ। दीजिए ताकि वो आ जाएंगे गढ़वा। जब गढ़वा गए हाँ। तो देखिए एम्बुलेंस भी सामने आ गई है, सामने में आप साफ तौर पर देख लीजिए, बच्चे लोग, बच्चे का जो डेड बॉडी है इसी एम्बुलेंस में पड़े हैं, उनके परिजन लोग जो है एम्बुलेंस के अंदर जो है बैठे हुए हैं। ये कब की घटना, कितना टाइम हो रहा होगा? ये 9 और 9:30 के बीच का घटना हुआ है हाँ, सुबह के टाइम, सुबह के टाइम जब हाँ। बच्चा क्लास करने आया है। कितना तो साल का होगा बच्चा? बच्चा 11 साल का है। 11 साल का जी। तो कौन क्लास में पढ़ता था? दो क्लास में। ये मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय है, मध्य विद्यालय जी हाँ। ये सुबह लगभग 8-9 बजे की घटना है जी हाँ, 8-9 बजे की घटना है। इसके बाद घटना जैसी घटे फिर क्या हुआ जी? घटना जब घटा तो उसके बाद जो यहाँ से बच्चे को उठा करके ले गए सदर अस्पताल गढ़वा, और अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ डॉक्टर जवाब दे दिए, और जवाब दे दिए उसके बाद जो यहाँ से एम्बुलेंस हुआ और रास्ते में जो है तोमागढ़ ले जाने के क्रम में जो है ऐसा घटना घट चुकी है। हम उनका दादा हैं, अब दादा हैं, पोता है। सवेरे उठा, कहा कि जा रहे हैं स्कूल, रामनवमी का आज स्कूल खुला है हाँ, जब बंद रहेगा, कल से बंद रहेगा। हमको ऐसा करो हाँ, कि हम शरबत घोर दो, हम पी के जा रहे हैं स्कूल, कल से बंद होना है हाँ, अभी नहाएंगे नहीं, 4 बजे नहाएंगे, दावत में हमको जाना है खाने, ठीक है, इसलिए हमको आज तू मत नहवाओ, 4 बजे नहवाना हाँ, हम जा रहे हैं स्कूल। आया स्कूल में हाँ, अब यहाँ जब रूम में बैठा हाँ, उसको पैर में काट दिया हाँ, तो देखा का कर ला, तो देख ला सांप, डरे अखबार का बाहर निकला हाँ। तो रेंगा के भीड़ लग गया हाँ। तो मास्टर लोग आए हाँ। तो रेंगा के बांध दिए पैर में हाँ। जब बांध दिए तब बांध तक यहाँ से मास्टर लोग हम लोग को खेत पर गेहूँ काट रहे थे तो हाँ। कोई कबो नहीं किया, और मास्टर लोग लेके जब बाहर गए, बच्चा लोग का लेके तीन मास्टर लेके चले गए हॉस्पिटल, तो उसका माई उन्हें रोते आ रहा था, माई के बिठाए ले चल गए वहाँ, और वहाँ गए तो वहाँ पर पानी डॉक्टर लगा दिया, उसको खोल दिया। अब हम लोग जब से पहुँचते हैं तब से खोलब कहिए, और रेंगा एकदम टिड़वाना एकदम लड़बड़ाना, सुतने में तो सुत रहा है, डॉक्टर साहब देखिए ना तेरे बढ़िया कहीं कहा हो रहा है, घबरा मत, सुतने मत देना, लगाया पानी पार, वो डॉक्टर के गोड़ पर रहे, उसका हाथ जोड़ रहे, कोई नहीं, हम पानी खींचे छट में, मैंने इसमें डॉक्टर के भी लपरवाही है, डॉक्टर ज्यादा लपरवाही, कोई हम ये नहीं रहा है हाँ। कोई उसको कर रहे गोड़ हाथ पर, कहा हुआ है यार हम इसको पानी लगा दिए हैं हाँ। सुई लगा रहे हैं, चलो एक बार सुई लगा दो जी हाँ। एक बार अथी लगा दो, एक बार सुई लगा दो, खाली से कह रहा है हमारे कोई गोड़ हाथ पर रहे, कोई नहीं, रोते गिला हम तो लेकर तुम्हें गड़ा भागे, तुम्हें गड़ा गया, डॉक्टर से कहा सांसों चलता रहता था, हमने इतना जहरीला काटा है कि बर्दाश्त नहीं किया, पहले सांस चलता हवा से हम लोग तुम्हें गड़ा के लिए गाड़ी एम्बुलेंस करके भेज दिया। तुम्हें गड़ा क्या है ये पहले बताइए? हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोग ले गए, डॉक्टर साहब बोले कि वहीं ले जाइए हाँ। तो वहाँ से लेकर आए तो हम लोग फिर इन लोग को भेज के एम्बुलेंस आके हम लोग स्कूल में देखने लगे, आया स्कूल पर तो देखे कि मास्टर लोग सब बिल को बंद कर रहा है, बंद करने के क्रम में देख रहे हैं कि पीछे झाड़ी उड़ी सब साफ करवा रहे हैं, बच्चा से भी कर रहे हैं हाँ। अपने भी कर रहे हैं उसमें हाँ। लगल पीछे में, पीछे में, तो हम लोग फिर आए तो सापल और कुदारी लेकर आए, हम लोग सांप देखना है हम लोग के, तो वो लोग बोले काहे इसको कोड़ रहे हो, तो हम लोग बोले कि मतलब उसमें अपना से हम लोग कोड़ के देखे कि हो सकता है इसमें मिल जाए कहीं, तो वो लोग इसी क्रम में मतलब हम लोग देखे उसमें तो नहीं मिला उसमें। ऐसे कोई अधिकारी लोगों की जानकारी दिए? जी जानकारी मिला है हाँ, अभी तक पहुंचे नहीं है हाँ? जो किस, किसको जानकारी मिली? सीओ साहब की जानकारी हुआ, लेकिन वो कह रहे कि कर्मचारी के हम भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ सीओ साहब के बलाहट है हाँ। थाना प्रभारी को और अभी तक नहीं आया, कोई नहीं थाना प्रभारी को भी हम कॉल किए, थाना प्रभारी की सूचना दिए, थाना प्रभारी बोले कि हम तुरंत आ रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। कितना टाइम हो गया अभी? लगभग देख रहे हैं आधा घंटा से, आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, टाइम देखिए अब हम यहाँ
तो नहीं पता चल रहा है, एक घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अच्छा, इस बच्चे के अंदर लापरवाही किसके अंदर हो सकता है, ये लापरवाही कहाँ समझ में? ये लापरवाही मास्टर का है, यहाँ के शिक्षक की लापरवाही है। जब सरकार इतना पैसा देती है यहाँ पर फंड खर्चा करने के लिए, फिर भी जो है ना उस पर खर्च नहीं करके जो है कि आज इसी के कारण है कि बच्चा का जान चला गया। क्या लापरवाही क्या हो सकता है? ये लापरवाही हो सकता है कि भाई ये लोग ध्यान नहीं दिए मास्टर लोग। बिल है, आप उसमें आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, देख रहे हैं उसमें कि बिल है, इसके कारण में भी उसमें आप उसका बिल नहीं रहता तो नहीं जाता, नहीं जाता, बिल नहीं रहता तो उसमें साफ तो नहीं हिलता। वो तो 5-10 रुपए का काम करवाने के लिए मास्टर लोग को फंड की जरूरत पड़ता है, वो घर से क्यों लगाएगा? अरे कई कई हम लोग विद्यालय में रिपोर्टिंग किए, थोड़ा सा भी इतना कोड़ा जाता है, हम लोग पूछते हैं इसको क्यों नहीं बनाया है, तो फंड की जरूरत पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी से फंड चाहिए, और ये बिल्डिंग जो आपको दिख रहा है पूरा कलरफुल आपको दिख रहा है, लेकिन नाम लिखवाने के लिए इनके पास फंड नहीं होगा। विद्यालय के अंदर जो है बगल में आप बढ़ के देख लीजिए, आप वो देख लीजिए, दरवाजा तो नहीं देख लीजिए, स्कूल का दरवाजा तो नहीं देख लीजिए। चलिए, वो कहाँ सफाई कहाँ के हैं गुरु जी लोग, कहाँ सफाई किए हैं, कहाँ पर था? उधर के इसमें, इधर यहाँ पर, ये जब बच्चे का घटना घट जाता है और उन्हें लगता है जब विद्यालय के पोल खुलने वाला है हमारी कमी जो है देखा जाएगा, इसके वजह से जो है झाड़ी को साफ किया जाता है। पीछे में ये विद्यालय के क्लासरूम है, क्लासरूम का ये पीछे का हिस्सा है, और ये देखे, ये साफ तौर पर देखे बिल आपको नजर आ रहा होगा, और ये झाड़ी जो है कटा हुआ आपको ताजा नजर आ रहा होगा, ये पुटुस है और इसका जो है पूरा हरा भरा आपको पत्ती नजर आ रहा होगा, उसका मुरझाया हुआ नजर आएगा, डेट मीन्स ये कहीं ना कहीं 1-2 घंटा पहले के कटा हुआ, और उसका क्लासरूम का जो बिल जो है सामने में ये देखे, यहाँ पर भी खुदाई किया गया है, और पानी कहाँ निकला था, पानी कहाँ निकला था, जिस समय पानी डाले थे पानी इसी में निकला हुआ था। ये देखे विद्यालय के क्लासरूम के अंदर एक बिल है, उस बिल का जो है निशानदेही आपको यहाँ पर है, जब पानी डाला गया बच्चे का, जब वो सांप जब काट लिया, जब देखा गया जिस बच्चे के क्या चीज काटा है उसको जब जो है सर्च किया गया, खोजबीन किया गया, उसके अंदर पानी डाला गया, तो पानी का जो है स्रोत मतलब उसका निकास जो है कहीं ना कहीं विद्यालय के बाहर से निकला गया, और इस जगह इतनी झाड़ी था जिसको तत्काल जो है काट दिया गया है, ताकि बड़े अधिकारी लोग आए, जांच प्रक्रिया जब बढ़ेगी तो ये झाड़ी नहीं दिखाई देगी। ये झाड़ी इसी जगह क्यों छोड़ दिया गया, फेंक देते? काट सकता है, उन लोग को वक्त नहीं मिला होगा कि कोई देख ना ले हम कब झाड़ी साफ कर रहे हैं। ये लोगों को गुमराह करने के लिए कि नहीं पहले से सफाई की हुई है, इस चीज को छुपाने के लिए हो सकता है इन लोगों ने इसी जगह पे छोड़ दिया। अपने हाथों से जी जी, कोई लेबर नहीं काटा है सर। और स्कूल का जितना भी बेंच है सब जिधर के तधर हो गया है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। यहाँ पर स्कूल में आने के बाद पहले झाड़ू लगना चाहिए था, उसके बाद में बच्चे को इंटर होना चाहिए था क्लास के अंदर, लेकिन उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। पढ़ाई तो जीरो हो गया है यहाँ, सिर्फ आपस में तकरार इन लोग करता है ज्यादा। प्रधानाध्यापक कौन है, विद्यालय का कौन है प्रधानाध्यापक, जो प्रिंसिपल है? मधु पांडे जी हैं, अभी फिलहाल में प्रभार लिए हैं। प्रभार लिए हैं, प्रभार मधु पांडे हैं। कितना शिक्षक, कितना लोग हैं, कितना शिक्षक होंगे? शिक्षक यहाँ पे 8 है, 4 पारा टीचर हैं, 4 गवर्नमेंट टीचर। चलिए, 4 गवर्नमेंट है और 4 पारा है। चलिए, ये विद्यालय के बाहर में हम मौजूद है, और विद्यालय के ऊपर भी सवाल जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि इसका व्यवस्था जो है, व्यवस्था के ऊपर भी हम लोग सवाल जरूर उठाएंगे, क्योंकि सरकार जो है करोड़ों करोड़ योजना लाती है शिक्षा के ऊपर ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो शिक्षा में सुविधा कितना हो पा रहा है, ये तस्वीर जो है हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, विद्यालय का एक शौचालय है जो आपको किस हिसाब से नजर आ रहा होगा, हालांकि उधर हम लोग जा भी नहीं सकते, इतनी गंदगी है, देखने के बाद ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि क्या स्थिति है बच्चे लोगों का, शौचालय की स्थिति। अगर बच्चे लोगों का पेशाब करना हो, शौच जाना हो, अगर इसमें बच्चे लोग जाएंगे तो सबसे पहला चीज़ तो बेहोश हो जाएंगे, और इसके अंदर भी विषैला पदार्थ हो सकता है, शायद उसे भी वो काट सकता है, इसमें जो है बच्चे लोग कभी भी नहीं जा सकते, ये बच्चे लोगों का। और अभी जो है सरकार तरफ से जो है शौचालय को दुरुस्त करने का जो है पैसा भी आया हुआ था, बहुत सारा ऐसा शौचालय जो है उसको लिप पोत कर जो है पास भी कर दिया गया,
लेकिन सामने में एक शौचालय है जो बुरी तरीके से भी खंडहर बना हुआ है और ये ही स्थिति हमारा झारखंड का विद्यालय का है। पानी कैसे पीता है बताइए। चंपाकल में देखिए बच्चे लोग तंग जाते हैं इसके ऊपर चलाने में, पूरा पूरा बहुत ज्यादा जाम है। क्या बात है, यहाँ पे बोल्ट होता है जिससे फ्रीली चलता है, ये भी नहीं है। ये देखिए तो कहाँ से चलेगा, ये पूरा इसमें बोल्ट भी नहीं लगा, बोल्ट नहीं है सब, ये तो ऐसे ही उखड़ जाएगा। इधर भी बोल्ट नहीं है, इसके अंदर में भी नहीं है, कुछ नहीं है। 10 साल के रहेगा कैसे, इसको चलाता होगा, पानी पीता होगा, सोचने की बात है। अभी हम बता रहे हैं कि 53,000 रुपया पोचारा के लिए आया था, 53,000 के लिए। एक रूम सही से नहीं हुआ, अब इसी में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, केस मुकदमा हो गया, बांटने के लिए। मास्टरे ठेकेदार और मास्टरे मिस्त्री जो कार्यक्रम करते हैं मास्टर लोग हैं, ठेकेदार भी वही, लेबर भी वही, मिस्त्री भी वही, अब पैसा बांटने वाला भी वही, घपला करने वाला भी वही। अध्यक्ष दूसरा था लेकिन उसको मैंने हटाने के लिए रचना रचा गया, लड़ाई झगड़ा की, केस मुकदमा में उसको फंसा करके भगाया गया। अपने बनने के लिए ऑल इन वन, अपने बनने के लिए अभी हेडमास्टर साहब और सचिव साहब, स्कूल के हेडमास्टर और सचिव, और उन्हीं लोग चला रहे हैं जितना भी पैसा आ रहा है फंड में सब। अभी जो मार हुआ है, अभी स्कूल में एक महीना पहले भी मार हुआ था, ये पैसा के लेकर के, बंटवारा को लेकर के, झूठों के, इसलिए कि पैसा जो है ना, जब फंडिंग आया था काम के लिए तो आपस में बंटवारा के लिए पैसा ढंग से नहीं बंट पाया, इसको वजह से मारपीट कर लिया। कपड़ा के भी पैसा आया था तो 10,000 रुपया ये लोग एडवांस ले लिया था मास्टर लोग, उसी में हाथा बाही हुआ, केस कराया गया स्कूल के तरफ से, ताकि कोई भी ग्रामीण जनता जो है हमारी इस काम को देखते हुए कोई एक्शन न ले। इस तरीके से अगर कोई इसमें बोलता है, कोई आवाज उठाता है, तो हम उसके ऊपर केस कर देते हैं, ताकि कोई भी ग्रामीण जनता हम किस तरीके से स्कूल को चला रहे हैं, किस तरीके से फैलाया जा रहा है, दहशत फैलाया जा रहा है। मास्टर कि ताकि यहाँ के ग्रामीण जनता कुछ बोले ना, बस दहशत फैलाया जाए। चलिए, सरकार के पास जो है करोड़ों रुपया है बिल्डिंग को बनाने के लिए, लेकिन उसको जो है सुचारू रूप से मास्टर लोग नहीं रह सकते। देखिए साफ तौर पर ऊपर का एक आपको एक तल्ला हम आपको ऊपर का सेकेंड तल्ला हम आपको दिखा रहे हैं, जो जो है पूरा खिड़की जो है, खिड़की भी उखड़ा हुआ है पूरा, आपको साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। आप ये सोचिए, जो विद्यालय के अंदर इतनी अनियमितता बरती जा रही है, तो हमारा देश का भविष्य, मतलब हमारे बच्चे का भविष्य जो है वो कहाँ जाएगा। भविष्य को देखने के लिए आज ये पूरा पब्लिक जो है इकट्ठा हुए है, ताकि हमारा बच्चा का भविष्य कहाँ जा रहा है।